वही ऑल्टो, वही फैसिलिटीज और उसका पुराना मॉडल, लेकिन ऑटोमेटिक 660 में वो गाड़ी में आपको प्रोवाइड करके दूंगा सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए में बिल्कुल ऐसी वाला लौंडा, बिल्कुल 2017 की सिविक ग्रैंड जैसी 54,000 जनरल माइलेज है, यूजी वेरिएंट है, अंदर बाहर पूरी ओरिजिनल है, ग्लास कोटेड है, अलाइरिम टायर है। भाई ये ऐसी गाड़ी है मौके वाली, अभी आपके सामने व्लॉग में आ रही है तो फटाफट आओ और लेके जाओ, ऐसे ही है, ये रुकेगी नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। हम लोग देख रहे हैं मिनिमम आपने अभी हमें जो गाड़ी दिखाई है वो 8 लाख 8.5 लाख की दिखाई है। तो सर हमारे मेरी तरीके के बहुत सारे व्यूवर्स है जिनकी रेंज कम है, तो सर इस रेंज में किसी 3-4 लाख के अंदर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल 2,75,000 2,75,000 की साढ़े 5 लाख रुपए तक की मेरे पास 3-4 गाड़ियां अवेलेबल है। माशाल्लाह, कोई हमारा व्यूवर अगर आपसे गाड़ी लेना चाहे तो उसका वही प्रोसीजर है, वो बैंकिंग प्रोसीजर जो इंस्टॉलमेंट का है 2019 के बाद की गाड़ी, वो बिल्कुल आपको मिजान बैंक से या यूडीएल बैंक से मैं करवा के दे सकता हूँ, करवा के दे सकता है। सर 3 बलिनो अवेलेबल है जिनमें ये पूरी ओरिजिनल है, जापानीज वेरिएंट है, 2000 मॉडल है, सही माशाल्लाह, बिल्कुल मिडिल क्लीन साफ सुथरी कंडीशन की गाड़ी है, तीनों के प्राइस सेम है 8.5 8.5 8.5, कोई सी भी लेने, इसमें 2000 मॉडल भी है, 2004 भी है, 2000 ये पूरी ओरिजिनल है, EFI इंजन पे है गाड़ी, चलने में इंजन में बहुत अच्छी है, इसमें रेडिएटर भी न्यू इंस्टॉल्ड है, बॉडी की बात करें तो तकरीबन ओरिजिनल है। साफ सीधी सी बात ये है कि कम पैसों में अच्छा गाड़ी मिले, काम वाली ना मिले, क्योंकि आजकल आप बाइक का इंजन भी बनवाने जाए तो 20,000 से ऊपर जाती है। बिल्कुल ऐसी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक कैरियर से बेहतरीन हो गए। जब बात होती है पाकिस्तान की तो जरूरी है कि कराची की भी बात की जाए, और जब बात होती है गाड़ियों की तो शोरूम की बात भी की जाए। तो कराची का सबसे बड़ा शोरूम जिसकी हम बात कर रहे हैं और AKS मोटर्स, आपने प्रीवियस हमारे व्लॉग्स देखे होंगे, तो आज हम लोग दोबारा से मौजूद हैं अपने भाई, प्यारे भाई नुमान भाई के साथ। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नुमान भाई, माशाल्लाह से गाड़ियां आपके पास बहुत बड़ी तादाद में होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की तारीख में जिस तरह ऑल्टो की हम बात करते हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। कम से कम भी अगर गाड़ी मैं लेने जाता हूँ मार्केट में 24 लाख 22 लाख की ऑल्टो मिल रही है। बिल्कुल। तो सर आपके पास ऑल्टो कितनी की है? सर वही ऑल्टो, वही फैसिलिटीज और उसका पुराना मॉडल, लेकिन ऑटोमेटिक 660 में वो गाड़ी में आपको प्रोवाइड करके दूंगा सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में। 9 लाख रुपए में? बिल्कुल ऐसे ही है। 9 लाख रुपए में ऑल्टो की बात हो रही है? बिल्कुल ऑल्टो 660 महरान नहीं ऑल्टो। बिल्कुल। तो नुमान भाई दिखाई देर नहीं करे, तो फिर चलते हैं गाड़ियों की तरफ, आ जाए। सर सबसे पहले मैं आपको जैपनीज गाड़ियां दिखाऊंगा, मेरे पास जो जो जैपनीज और ऑटोमेटिक 660 या 1000 cc अवेलेबल है। इस वक्त लोग जरूरत के तहत गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर फैमिलीज के लिए ले रहे हैं, कोई शौक के लिए नहीं ले रहा। शौक मेरे तो पास बिल्कुल खत्म हो गया। इसी बात है, शौक तो हमारा आप एक समझ रहे हैं तो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई उरूज पर है। बिल्कुल। तो जरूरत के लिए लोग गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, और साफ सीधी सी बात यह है कि कम पैसों में अच्छा गाड़ी मिले, काम वाली ना मिले, क्योंकि आजकल आप बाइक का इंजन भी बनवाने जाए तो 20,000 से ऊपर जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो फिर भी गाड़ी सर है। सबसे पहले मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें ब्रिजस्टोन के टायर हैं, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और ओरिजिनल जैपनीज है। जैपनीज गाड़ी जो होती है उसका वजन बहुत होता है, चलने में बहुत अच्छी होती है, इंजन रूम से देखें कहीं से रस्टेड नहीं है, एसी इसका वर्किंग कंडीशन में सिर्फ 11 लाख रुपए में। 11 लाख रुपए में बिल्कुल खवातीन बच्चों के लिए ले सकता है, और बहुत साफ सुथरी नीड एंड क्लीन कंडीशन की गाड़ी है। उसके बाद नो डाउट बहुत अच्छी है। उसके बाद लोगों की जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमें 660 सीसी गाड़ी चाहिए उबर करीम के लिए, खवातीन के लिए। ये सेल्फ इम्पोर्ट गाड़ी है, जिन्होंने इम्पोर्ट कराई थी मैंने उन्हीं से लिए, डॉक्टर साहिबा से, और 660 सीसी है, क्लाइमेट कंट्रोल है, एसी वर्किंग कंडीशन में है, अंदर से आप रूम देखें, सोफा सीट है, फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है ये, वन हैंड यूज है, फर्स्ट ऑनर। सर डिमांड की बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए का देना है मेरा, देने का ऐसे ही है, बहुत जबरदस्त। अच्छा उसके बाद मेरे पास वैगनर अवेलेबल है, मैनुअल गाड़ी है ये और बहुत साफ सुथरी, ये भी जैपनीज है, सिर्फ और सिर्फ 8.5 लाख रुपए का मेरा जहन है, 660 cc में, 8 लाख रुपए में वैगनर दे रहा हूँ मैं आपको, और 660 cc में, और चलने में इंजन में बहुत अच्छी, एसी वर्किंग में, अंदर आप देखें एंड्रॉइड पैनल वगैरह इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, इंटीरियर से बहुत साफ है। अच्छा मैं महराने मेरे पास दो है, वो मैं दोनों आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं ऑटोमेटिक जिसकी बात हो रही थी 660 सीसी गाड़ी वो मैं दिखाना चाहूंगा, ऑल्टो 660 ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें पावर विंडो भी इंस्टॉल्ड है, किसी में अलार्म इंस्टॉल्ड है, ये मेरे पास एक दो नहीं है, क्वांटिटी में गाड़ियां हैं,
और अगर प्राइस की बात करें, ये 9 लाख रुपए का मेरा रहन है। इस तरह की 3-4 गाड़ियां मेरे पास अवेलेबल है। ये मतलब आपने खुद ही इसको बिल्कुल मॉडिफिकेशन, देखें ये ओरिजिनल गाड़ी आई ही K6A 660 है, तो मैं उसको रीकन्वर्ट करता हूँ दोबारा ओरिजिनल बॉडी। अगर इसमें अगर हम मैनुअल पे बात की करें, ऑटोमेटिक से हटा दें, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी तकरीबन 8-9-10 लाख रुपए। अच्छा, वो भी 8-9 लाख की है। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो आपने मॉडिफिकेशन करवाई है वो आपने फ्री कर दी। वो मैं उस पैसों में करके देता हूँ लोगों को, जिसमें लोगों को सूट कर जाए मॉडल के हिसाब से। अब जैसे ये यूरो मेहरान है 2015 का मॉडल है, 44,000 माइलेज है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, कंपनी मेंटेन्ड है। अब इसके 11,15,000 रुपए, 11,15,000, लेकिन 11 लाख रुपए की भी मेहरान नहीं मिल रही इस वक्त लोगों को। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ये मेहरान है, एक 6 की मेहरान है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपने 14 अगस्त का ब्लॉग बनाया था, 100 के करीब मेहरानें थी, एक भी नहीं बची, सब बिकी है। तो उनसे तो बहुत लाख गुना बेहतर है ना। हां, उनसे बहुत अच्छा है। इसके बाद कोरे की बात की जाए तो मेरे पास 3-4 कोरे हैं, उसमें से अभी आपको 2 विजिट करा देता हूँ। दोनों ऑटोमेटिक हैं, दोनों साफ सुथरी कंडीशन की हैं, अंदर से 100 ओरिजिनल है, और एक ब्लू कलर में है और एक व्हाइट कलर में है। प्राइस की बात करें तो दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। सर क्या प्राइस है दोनों की? दोनों का मेरा 8.5-8.5 का सेम है, 8.5 का सेम है, और ऑटोमेटिक है। खवातीन बच्चों के लिए बेहतरीन गाड़ियां लें और चलाएं। अच्छा भाई, सबसे अच्छी चीज नुमान भाई की ये है कि नुमान भाई के बाद जितनी भी गाड़ी आप देखेंगे सारी फर्स्ट ओनर होती हैं, और बहुत सारी तो ऐसी होती हैं जिसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई होती, वो भी फर्स्ट टाइम ही होगी। बिल्कुल, ये चीज बहुत अच्छी है। कंपनियों की गाड़ियां होती है तो कंपनियों का जो इंडिविजुअल होता है ना वो ऑनरशिप में आता है, जैसे कंपनी तो ऑनरशिप में नहीं आती है, वैसे फिजिकल तो होती है, तो ये कि जो इंडिविजुअल कस्टमर होता है वो ऑनरशिप में आता है। अच्छा सर, अभी भी आपके पास वाली फैसिलिटीज मौजूद है, हम आपसे हर ब्लॉक में पूछ बिल्कुल 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 ट्रांसफर की पेपर डॉक्यूमेंट टैक्स सीपीएलसी क्लियर देते हैं, टैक्स आपको क्लियर मिलेगा, वो तो है सारा मिलेगा। बाकी एक अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई हमारा व्यूवर अगर आपसे गाड़ी लेना चाहे तो उसका वही प्रोसीजर है जो वो बैंकिंग प्रोसीजर जो इंस्टॉलमेंट का है 2019 के बाद की गाड़ी, वो बिल्कुल आपको मिजान बैंक से या यूबीएल बैंक से मैं करवा के दे सकता हूँ, करवा के दे सकते हैं। अच्छा सर, अभी हम 2 नवंबर के एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल, तो गाड़ियों की कीमतें नीचे आएंगी या ऊपर ही आएंगी? सर ये तो हमारी गवर्नमेंट बताएगी कि नीचे, लेकिन जो अंदाजा नजर आ रहा है वो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है नीचे। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो वेट कर रहे होते हैं यार गाड़ियों की कीमतें नीचे आएगी तो हम बाय करें, तो भाई वेट नहीं करो, आओ और लेके जाओ, ले जाओ, क्योंकि आगे ड्यूटियां अगर छोड़ेंगे या कंपनियां अगर खुली हुई हो पीछे से, अगर स्टॉक अवेलेबल होगा तो नीचे आएगी ना। कंपनियों के हालात आपको सामने सारे ऐसे। अच्छा सर, इसके अलावा और कौन सी? मैं कल्टसों की पूरी रेंज है मेरे पास, मैं सारी आपको दिखा देता हूँ। आ जाए आ जाए, कल्टस है मेरे पास 4 अवेलेबल है। ये देखें तो 2011 की EFI गाड़ी है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, बहुत साफ सुथरी कंडीशन की है। अरे माशाल्लाह जबरदस्त, ये पूरी ओरिजिनल है, EFI इंजन पे है गाड़ी, चलने में इंजन में बहुत अच्छी है, इसमें रेडिएटर भी न्यू इंस्टॉल्ड है, बॉडी की बात करें तो तकरीबन ओरिजिनल है इसके। ये 2011 है, इसकी 11,80,000 रुपए डिमांड है। और अगर कम रेंज में आपको कल्टस चाहिए तो मेरे पास 2 अवेलेबल है, एक 2003-04 का मॉडल है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और एक 2006 का मॉडल है। इनके भी दोनों के इंजन बहुत अच्छे हैं, चलने में इंजन सस्पेंशन से बहुत साफ सुथरी गाड़ियां हैं। इसकी क्या डिमांड है? इन दोनों की 7.5-7.75 लाख, 7.5 लाख रुपए की कल्टस, बिल्कुल जबरदस्त। और अंदर से देखें कहीं से एक्सीडेंट नहीं है, लगी भी नहीं है, चलने में इंजन में अच्छी गाड़ियां हैं बिल्कुल। फिर भी 100% नहीं समझिएगा, कोई ना कोई पंचर भी होती है गाड़ी, हेडलाइट का बल्ब भी फ्यूज रहता है, कुछ ना कुछ आपको छोटे मोटे काम तो है करवाने पड़े। सबसे बड़ा ये होता है इंजन में कोई काम ना हो, नहीं इंजन से सस्पेंशन और फ्रेम से अच्छी है गाड़ी, वहां से ओके हो तो फिर ये तो छोटे मोटी चीजें हैं तो चल जाती हैं, बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद 2014 की पूरी ओरिजिनल कल्टस है। कोई EFI गाड़ी लेने वाला, अच्छी गाड़ी लेने वाला भाई मेरा, ये पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, साफ सुथरी कंडीशन की है, व्हाइट कलर की है, इसका भी AC वर्किंग कंडीशन में। प्राइस की अगर बात करें तो ये 14.5 लाख रुपए का है, 14.5 लाख रुपए, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, नीट एंड क्लीन है, बाहर से भी तकरीबन ओरिजिनल गाड़ी है। इसके बाद मैनुअल में छोटी गाड़ियां मैं आपको सारी दिखा देता हूँ, 3-4 मेरे पास मैनुअल में भी कोरे अवेलेबल है। ये 7,20,000 रुपए में है, 2004 का मॉडल है, अंदर से पूरी ओरिजिनल है, AC वर्किंग में, मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल है। एक छोटी मेरे पास मेहरान अवेलेबल है, कम रेंज वालों भाइयों के लिए, 6 लाख रुपए की रेंज की मेहरान है मेरे पास, ये भी पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, 2006 का मॉडल है, AC इसके अंदर लगा हुआ है, वर्किंग में नहीं है, छोटा मोटा AC का काम हुआ, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। नहीं।
और मैनुअल में अल्टो अगर किसी भाई को चाहिए, अलायरम वाली एसी वर्किंग कंडीशन में, इसका पावर स्टीयरिंग इसमें इंस्टॉल्ड है, अंदर से ओरिजिनल है ये गाड़ी। अच्छा भाई व्यूअर्स, हम लोगों ने आपको अल्टो, कल्टस और मेहरान वगैरह दिखा दी है, अब हम चलते हैं सेडान की तरफ। तो नुमान भाई, सेडान में हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि नीचे से ऊपर चलते। बिल्कुल, सेडान में सबसे जो इस वक्त सस्ती गाड़ी है वो बलिनो है। बलिनो, बिल्कुल। मेरे पास तीन बलिनो अवेलेबल हैं, जिनमें ये पूरी ओरिजिनल है, जापानीज वेरिएंट है, 2000 मॉडल है। सही, माशाल्लाह, मिडल क्लीन साफ सुथरी कंडीशन की गाड़ी है। तीनों के प्राइस सेम है, 8.5, 8.5, 8.5, कोई सी भी लेने। इसमें 2000 मॉडल भी है, 2004 भी है, 2005 भी है। 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख के हिसाब से तीनों सेडान है। ये 2005 है और एक सिल्वर कलर की 2004 है, वो पीछे खड़ी है, वो भी मैं आपको रेट करा दूंगा। जबरदस्त, बेहतरीन। उसके बाद अगर बड़ी गाड़ियों में, लग्जरीज में अगर देखें तो मेरे पास ऑटोमेटिक में EXi क्रॉसमेटिक है अवेलेबल, इनके 14.5 लाख रुपए डिमांड है। 14.5 लाख चलने में, इंजन में बहुत अच्छी है, वन है, मैनुअल, फर्स्ट ओनर है। मॉडल क्या है? 2004 मॉडल, 14 लाख रुपए, 14.5 लाख रुपए। बड़ी गाड़ियों में मेरे पास एक करोना अवेलेबल है और एक जो है सिविक अवेलेबल है। बाहर से भी 80-90% पूरी ओरिजिनल कंडीशन देखना है गाड़ी की, बोनट, डोरियां, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये होती है, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी होती है। लें और खरीदें और लेके जाएं। वाला है सारा थ्रू आउट पेट्रोल है ये, अलाइरम टायर्स में इंस्टॉल्ड है, एलसीडी बैक कैमरा वगैरह लगा हुआ है। डिमांड की बात करें, जीएलआई है, वेरिएंट जीएलआई है, डिमांड इसकी 21 लाख रुपए। बाकी मौके पे आएंगे, जो मुझसे बेस्ट हो सकता है वो तो जाहिर सी बात है, डिमांड है, जब आप आएंगे इंटरेस्ट शो करेंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होता है। अच्छा, माशाल्लाह से गाड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, साफ सुथरी गाड़ी। सर बात आती है अब डिमांड की, इसकी 50 लाख रुपए डिमांड है, 2017 का मॉडल है। 50 लाख रुपए डिमांड, जबरदस्त। बलिनो सिटी सिविक दिखाने के पास हमारे पास एक और बेहतरीन किस्म की सिटी मौजूद है, और सर इसकी क्या डिमांड है? सर ये 8.5 लाख रुपए में मैं आपको ऑटोमेटिक सिटी दे दूंगा। अगर आप रूम की ऑटोमेटिक सिटी, बिल्कुल ऑटोमेटिक है, 1300 cc और ओरिजिनल ऑटोमेटिक है। अंदर से आप इंटीरियर देखें, बिल्कुल साफ सुथरा है, चलने में इंजन में अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। भाई ये ऐसी गाड़ी है मौके वाली, अभी आपके सामने व्लॉग में आ रही है तो फटाफट आओ और लेके जाओ, ऐसे ही है, ये रुकेगी नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद सस्ती गाड़ियों में 10-11 लाख रुपए में आपको मेहरान जैसा मैंने दिखाया, उन पैसों में मैं आपको इंडस करोला दे रहा हूँ, 199 इंडस करोला। बिल्कुल, दोनों के अगर आप डिमांड की बात करें तो 11-11 लाख रुपए का रेन है, अंदर से 100 ओरिजिनल है, चलने में इंजन में बहुत अच्छी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है और 99 मॉडल है। इंजन अपने, अच्छा दोनों के इंजन अपने हैं, बिल्कुल चलने में इंजन में बहुत अच्छी गाड़ी है। एक ये वाली जो गाड़ी है 99 की, ये टचअप है। दूसरी गाड़ी मेरे पास एक अवेलेबल है 98 मॉडल, ये भी पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, अपना एक साल पुरानी है बस। बिल्कुल, और इसकी बॉडी अभी अगर बात करें तो ये बाहर से भी 80-90% ओरिजिनल है, चलने में इंजन में बहुत अच्छी है। सर डिमांड, डिमांड इसकी भी वही डिमांड है, 11 लाख रुपए। बिल्कुल। अच्छा सर, हम जैसे जिस तरीके से बात करते हैं अपने, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं जिनका बजट कम होता है, तो उस क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं, मिनिमम आपने अभी हमें जो गाड़ी दिखाई है वो 8 लाख 8.5 लाख की दिखाई है। बिल्कुल। तो सर हमारे, मेरी तरीके के बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनकी रेंज कम है। बिल्कुल। तो सर इस रेंज में किसी 3-4 लाख के अंदर आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, 2,75,000 की। 2,75,000 की, बिल्कुल, से 5.5 लाख रुपए तक की मेरे पास 3-4 गाड़ियां अवेलेबल हैं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, इस्लामाबाद नंबर शराड, बहुत अच्छे इंजन में, चलने में इंजन में 100 है, पेट्रोल चली हुई और अपने इंजन पे गाड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ 2,75,000 रुपए में दे दूंगा। इसके अलावा स्कारलेट मेरे पास अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार 5 लाख रुपए में दे दूंगा, 4 लाख रुपए की एक और शराड है वो दे दूंगा। तो आप मेरे पास आएंगे तो इस तरह की 3-4 गाड़ियाँ, मतलब मैं ये वाली चीज बोल सकता हूँ, बजट का कोई मसला नहीं है किसी के पास भी, अगर कोई मसला, अगर कोई दिमाग में समझ के बैठा हुआ है
कि AKS में जो है वो 8 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। अगर किसी का बजट कम भी है बिल्कुल, तो वो भी AKS मोटर्स आ सकता है, हमारे भी से रब्ता कर सकता है, वो आपको अरेंज करवा देंगे अगर यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इनके बहुत सारे शोरूम है ना कराची में, 2 शोरूम है अभी फिलहाल, एक आपका बफर जोन साइड पर है और एक यहाँ पर जौहर में। तो लोकेशन मौजूद होती है, नुमान भाई का नंबर भी मौजूद होता है और हमारा नंबर भी मौजूद होता है, तो आप हमसे रابطہ करते हैं, हम आपको नुमान भाई की तरफ डाइवर्ट करते हैं, तो आप बेहतर यही है कि डायरेक्टली जो नीचे दिए गए नंबर है उनसे AKS मोटर्स पे رابطہ करें, ताकि नुमान भाई को आप लोग इजीली अप्रोच कर सके और नुमान भाई से رابطہ हो सके। बिल्कुल। अच्छा भाई व्यूअर्स, आप हमें दीजिए इजाजत, तला और सुफान को हम लोग आए हुए थे नुमान भाई के शोरूम में, और अगर आप देखें चारों तरफ गाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है, माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको और दे और इसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करते रहे, बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि बहुत सारे शोरूम अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत हाई है रेट, बहुत हाई है, कोई भी आवाम के लिए नहीं सोच रहा, जाहिर सी बात है आप जैसे लोग इनिशिएट लेते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, कम बजट वाले लोग भी, ताकि गाड़ियों में घूमें, 3-4 लाख की आजकल बाइकें आ रही हैं, उसमें अगर आपको गाड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। तो तला, सफान और नुमान भाई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।